अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखना हो, स्कूल का होमवर्क करना हो या किसी को ईमेल करना हो, आपको पता नहीं कि भाई ईमेल में क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, या फिर ब्लॉग आर्टिकल लिखना हो, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से। अब ये चैट जीपीटी क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि चैट जीपीटी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद फिर किसी और की वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी है इसी चैनल पे है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, और आपको बता दें कि आप जैसी ये दुनिया देख रहे हैं ये वैसे बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है और बहुत सारे जॉब्स जाने वाले हैं। क्या बात करते हैं यार। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे। मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके बाद में देख सकते हैं। आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, नहीं तो आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप मिस कर जाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खैर, बिना वक्त जाए किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैट जीपीटी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा टूल है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ। Oh my God! Wow! पहले हम चैट जीपीटी का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। चैट ऑलरेडी एक फुल फॉर्म ही है, ये आपको पता है। जीपीटी का फुल फॉर्म जो होता है वो है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अब हम इसको और आसान भाषा में समझते हैं, चैट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बातचीत यानी कन्वर्सेशन। अब हम जीपीटी यानी जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर का मतलब समझते हैं। जेनरेटिव का मतलब होता है बताने वाला, प्री ट्रेंड का मतलब होता है जिसे पहले से ट्रेनिंग दी गई हो, यानी सिखाया गया हो, समझाया गया हो, बुझाया गया हो, और ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है बदलने वाला, यानी एक ऐसी मशीन जिसे पहले से ट्रेनिंग दी गई हो ताकि वो मशीन या फिर आप यूं कह लें तो वो बॉट इंसानी भाषा में बात कर सके, यानी मशीन जो है वो इंसान से बात करेगी और मशीनी भाषा में भी बात करेगी। अगर आप बॉट से यानी उस मशीन से मशीनी भाषा में बात करेंगे तो वो मशीनी भाषा में भी रिप्लाई देगी, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह, कोडिंग वगैरह। दोस्तों ये जो चैट जीपीटी है, दरअसल ये चैट जीपीटी 3 है, 3 यानी थर्ड जनरेशन, जो कि ये नेटवर्क मशीन लर्निंग मॉडल है। आप यूं समझे कि चैट जीपीटी एक चैट बॉट है, जैसे रोबोट फिल्म में चिट्टी रहता है। क्या हो अगर चैट जीपीटी का जो मैकेनिज्म है, जो काम करने का तरीका है, वो एक रोबोट में डाला जाए, तो ये जो चैट जीपीटी है वो पक्का चिट्टी बन जाएगा। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई है। इसे 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि 2015 में चैट जीपीटी की नींव रखी गई थी, और इसके जो सीईओ है वो है सैम अल्टमैन और इलन मस्क। कीबोर्ड में जो ये अल्ट है, ये अल्ट नहीं, उनका नाम सैम अल्टमैन है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में, जीपीटी प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और इलॉन मस्क जो है वो एज अ फंडर के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी उन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, और बिल गेट्स का सबसे बड़ा हाथ है इसमें, बहुत बड़ा हाथ है, ये वाला हाथ नहीं, पैसों के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में उन्होंने बहुत ही ज्यादा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। आपको बता दें कि ये इंटरनेट की धज्जियां उड़ाने वाला है, और लोगों के भी, जॉब्स के मामले में, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे। चैट जीपीटी जो है वो गूगल को बोलेगा, ये तो जा रहे, जैसे अभी हम लोग जनरली बोलते हैं ना, अरे ये चीज तुम्हें नहीं आती है तो गूगल कर लो ना, लेकिन कुछ टाइम में लोग बोलेंगे इसी जगह पे, अरे जीपीटी कर लो ना। आपको बता दें कि इसने 5 दिन में वो करके दिखाया जो फेसबुक को 10 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लग गए, लेकिन सिर्फ इसने 5 दिनों में 10 लाख से ज्यादा यूजर्स बना लिए। ये बहुत तेजी से जाने वाला है, ये इंटरनेट पे बूम करने वाला है। आपको बता दें कि अगर आपको किसी से प्यार है, उसे प्रपोज करना है, प्यार का इजहार करना है, और हेजिटेशन हो रही है, तो हेजिटेशन कैसे दूर करें, प्यार का इजहार कैसे करें, प्रपोज कैसे करें, तो ये सारी चीजें आपको चैट जीपीटी बताएगा। आप बोलेंगे भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक लव लेटर लिखना चाहता हूँ, मुझे एक लव लेटर लिख के दो, तो आपको एक लव लेटर भी लिख के देगा। मतलब कपल्स वालों के लिए काफी फायदा हो जाएगा। सच कहूं तो इसमें फायदा सभी का होगा। अगर आपको ग्रामर में मिस्टेक लग रही है, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है, कोडिंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से। लेकिन सवाल ये उठता है कि चैट जीपीटी जो है वो इतना ज्यादा स्मार्ट कैसे हो गया। तो आपको बता दें कि 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो डेटा है वो इसे सिखाया गया है, और आगे भी सिखाए जाएंगे। मतलब डे बाय डे इसकी इंप्रूवमेंट की जा रही है, इसके पीछे मशीन लर्निंग यूज हो रही है।
आप चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर देगा, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सबका आंसर करेगा। क्या बात है। जैसे मान लीजिए आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का जो तरीका है वो आपको बताएगा। वैसे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी का जो वॉकिंग प्रोसेस है वो ऐसा है जैसे आप उससे बात करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हम किसी मशीन से बात कर रहे हैं, हम किसी बॉट से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो चीज यूज हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो AI। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया और फिर आपने 3-4 क्वेश्चन और कर दिए तो सबका आंसर दे दिया, तो फिर आपने जो पहले क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड या फिर उसी के बारे में कोई और चीज पूछते हैं तो वो उसके बारे में भी बताता है, क्योंकि चैट जीपीटी के पास बहुत सारे डेटा है और बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर रहा है, यानी जमा कर रहा है, 10-20 साल का डेटा उसके पास है। जैसे मान लीजिए आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए बोले कि आप एक लव लेटर लिख के दिखाओ, तो आपको एक लव लेटर लिख के दिखा देगा, फिर आप बोलेंगे नहीं ये मजा नहीं आ रहा है, इसे थोड़ा और अच्छे से लिखो, फिर वो चेंज करके देगा, जितनी बार चाहो उतनी बार लिखवा सकते हो, मजा आया, और हर बार अलग अलग डेफिनेशन होगा, मतलब गलत नहीं होगा, एक्यूरेट होगा। चैट जीपीटी जो है वो खुद से आंसर क्रिएट करता है, मतलब खुद से सोचता है, उसके डेटाबेसिस में जो भी डेटा कलेक्ट है, मतलब सेंटेंस जो क्रिएट करना है, कैसे कैसे क्रिएट करना है, उसी के हिसाब से वो सोचता है। तो सोचिए दुनिया जो है वो कितने एडवांस लेवल पे जा रही है। आप यूं समझें कि मशीन जो है वो खुद से सोच समझ के आंसर करेगी, सोच समझ के जवाब देगी आपको, जैसे इंसान सोचता है, तो सोचने की जो एबिलिटी है वो उसके पास होगा, होगा नहीं है, क्योंकि जीपीटी जो है वो लॉन्च हो चुका है, AI आने वाला नहीं है, आ चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो भी प्रेजेंट में है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये काफी एडवांस लेवल पे जाने वाला है। जैसे एलेक्सा को ही देख लीजिए, एलेक्सा को बोलता है कि भाई डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, तो वो गाना चला देता है, मौसम का हाल बता देता है, न्यूज बता देता है, क्रिकेट का क्या स्कोर है वो बता देता है। ठीक उसी तरह एंड्रॉयड का एक गूगल असिस्टेंट है, आप उसे जो पूछते हैं वो बताता है, और एप्पल का सीढ़ी है, छत पे चढ़ने वाला सीढ़ी नहीं, सीरी। सीरी और सीढ़ी में फर्क है, मालूम है, बाप को मत सिखा, चल। चलिए हम जानते हैं कि गूगल और चैट जीपीटी में क्या फर्क है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। जब आप कोई भी चीज सर्च करते हैं गूगल में, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे वेबसाइट दिखाने लग जाता है, इंडेक्स करने लग जाता है, तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाके अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे मेरी एक भतीजी है आफिया, वो क्या करते हैं कि उसको कार्टून देखना होता है, तो वो यूट्यूब के सर्च बार में एक माइक होता है, उस पर टाइप करती है और बोलती है कार्टून वाला, तो जितने भी कार्टून वाले वीडियोस हैं वो देखने लग जाती है। तो यूट्यूब में भी एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है। लेकिन जीपीटी में क्या है कि आप जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देता है, वो भी खुद से क्रिएट करके, खुद से बना के, ना कि बहुत सारे वेबसाइट दिखाने लग जाएगा कि आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, नहीं, वो खुद से बना के देता है, पैराग्राफ्स बना के देता है। जैसे गूगल में 10 वेबसाइट दिखाने लग जाएगा, वैसे जीपीटी में बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको आंसर लिख के देगा। अगर आपको कोडिंग में कोई एरर आ रही है तो उस एरर को भी सुधार देगा। दोस्तों चैट जीपीटी जो है वो बहुत ही कमाल का है। चैट जीपीटी जो है वो इंटरनेट पे तूफान ला दिया है, भूचाल ला दिया है। आप चैट जीपीटी से जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर देगा। आप बोलेंगे एक प्रोग्राम बनाओ, तो वो भी बना के दे देगा, आपके हर एक सवाल का जवाब देगा। लेकिन अगर आप इन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर नहीं देगा। और आपको बता दें कि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं, लाइक बम कैसे बनाते हैं, ब्लास्ट कैसे करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप ऐसे क्वेश्चंस ना करें, और ये आपके लिए काफी रिस्की भी हो सकता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि आप जो भी चीज टाइप कर रहे हैं, जो भी चीज सर्च कर रहे हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए आप सावधानी से सर्च करें। चैट जीपीटी ये एक ऐसा AI बेस्ड सिस्टम है जिससे अगर गलती हो भी जाती है तो ये अपनी गलती मानकर इसके जो भी वर्ड्स और सेंटेंसेस में एरर है उसको सुधार कर इम्प्रूव करता है। यहाँ तो इंसान अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता, क्यों, सच कहा ना, बात तो सही है। देखिए चैट जीपीटी जो है वो अभी बिल्कुल फ्री है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्री नहीं रहने वाला है। चैट जीपीटी यूज करने के चार्जेस लगेंगे, फिलहाल फ्री है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी बीटा कंडीशन में है, बाप के कंडीशन में नहीं आया है। चैट जीपीटी की अभी शुरुआत है इसलिए फ्री है, इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके चार्ज करेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी में बहुत खर्चा आ रहा है। अभी जो हम लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि इसका एक दिन का क्या खर्चा आ रहा है? नहीं। बताएंगे तो एकदम चौंक जाएंगे। एक दिन का इसका खर्चा आ रहा है
$1,00,000 पर डे, महीने का $30,00,000। अगर हम इसे इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो 24,67,500 रुपये। तो इतना बड़ा अमाउंट का लॉस कौन सहना चाहेगा, आप खुद से सोचें। जो कि अभी 1,00,000 यूजर्स हैं, आगे चल के न जाने कितने यूजर्स होने वाले हैं, और डे बाय डे इसके यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो ये जो अमाउंट है ये बहुत ही ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में तो बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना लॉस नहीं चाहती है। चैट जीपीटी के जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि अगर आप एक सर्च करते हैं तो उसके पीछे मशीन को 100 से ज्यादा सर्च करने पड़ते हैं, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। चलिए अब हम इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, इसका यूजर इंटरफेस देख लेते हैं कि इसे कैसे यूज किया जाता है। आइए सबसे पहले गूगल ओपन करें, गूगल के सर्च बार में टाइप करें चैट जीपीटी और फिर सर्च करें। तो ये जो पहला वेबसाइट आया ओपन एआई का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किए तो ये ओपन एआई का वेबसाइट ओपन हो गया। फिर यहाँ पे हम ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होके आएगी। तो यहाँ पे हमें साइन अप पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना ईमेल एड्रेस technicalmehtab@gmail.com। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, आप जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे शो होगा वेरीफाई योर ईमेल, यहाँ पे हम ओपन जीमेल पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए वेरीफाई करने के लिए मेल आ चुका है, तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेक्निकल मेहताब। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फिर ओटीपी जाएगा, फिर ओटीपी डालकर वेरीफाई करना है। हो गया वेरीफाई। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान रखें कि आप जो भी चीज़ें सर्च करेंगे वो सारी चीज़ें कलेक्ट की जाएगी और उसी के हिसाब से ये रिस्पॉन्ड करता रहेगा आपको, यानी ओल्ड चैट के हिसाब से। और इसके कुछ लिमिटेशन है, कुछ हेडफुल कुछ हार्मफुल चीज़ें बता सकता है, और इसके पास जो डेटा है वो 2021 तक की नॉलेज है इसके पास। चलिए हम चैट जीपीटी से बात करते हैं। हाय, अब उधर से रिप्लाई आया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब हम इसको बोलते हैं क्रिएट यूट्यूब डिस्क्रिप्शन ऑन चैट जीपीटी। अब ये मेरे वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन लिखेगा चैट जीपीटी के ऊपर, ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। इससे बोलेंगे ऐसे लिखने के लिए तो ऐसे लिख देगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अपना होमवर्क करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो डेवलप नहीं होगा, क्रिएटिविटी वाली जो चीजें हैं वो नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से बहुत सारे स्कूल्स ने इस चीज को बैन कर दिया है, यानी चैट जीपीटी को बैन कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स यूज ना करें। चलिए अब हम इसे बोलते हैं ब्लॉग लिखने के लिए। क्रिएट ब्लॉग आर्टिकल ऑफ 500 वर्ड्स ऑन SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे एक ब्लॉग लिखो। तो ये देखिए दोस्तों, ये ब्लॉग लिख रहा है, देखिए ये पूरे 500 वर्ड्स का ब्लॉग लिख के देगा। आपको बता दें कि ये सभी लैंग्वेज समझता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश समझता है। जैसे अभी हम इसे हिंदी में पूछते हैं, तुम कौन हो, अब ये देखिए ये क्या जवाब दे रहा है। मैं चैट जीपीटी हूँ, एक ओपन एआई तरफ से ट्रेंड लैंग्वेज मॉडल हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप क्या हेल्प चाहिए। अब हम इसे बोलते हैं क्रिएट अ HTML CSS कोड टू ड्रॉ ग्रीन स्किन बॉक्स ऑन स्क्रीन। अब ये देखिए पूरा एक कोड लिख रहा है। चलिए अब हम इसे बोलते हैं एक लव लेटर लिखने के लिए, राइट अ लव लेटर फॉर माई गर्लफ्रेंड। अब ये देखिए पूरा एक लव लेटर लिख के दे रहा है। माई डियरेस्ट गर्लफ्रेंड, एवरी डे दैट पासेस बाय आई फाइंड माई सेल्फ फॉलिंग मोर एंड मोर इन लव विद यू। ये पूरा लिख के देगा आपको, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको चैट जीपीटी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। दोस्तों पूरे इंटरनेट की जो इंटेलिजेंस है वो AI के अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है। दोस्तों मुझे बहुत डर है कि बहुत सारे लोगों के जॉब्स जाने वाले हैं, लाइक सिक्योरिटी गार्ड का, ड्राइवर का। US में तो लगभग ड्राइवर की नौकरी ख़त्म है क्योंकि ड्राइवरलेस कार आ चुकी है। एडवोकेट का, मसाज थेरेपिस्ट का, जो भी रिपेटेटिव वाली जो जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएगी। आपसे कह दें कि BPO का और वीडियो एडिटिंग का जॉब्स भी ख़त्म होने की संभावना है, क्योंकि उसके जगह पे चैट GPT काम करेगा। चैट GPT से पूरी एक फिल्म बनाई जा सकती है। तो वीडियो एडिटिंग का जो काम है वो तो चैट GPT संभालेगा, किसी बंदे को हायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बुरा हाल होने वाला है लोगों का। आप खुद सोचिए ना कि एक स्क्रिप्ट लिखने में 5 घंटे लगते हैं और ये चैट GPT जो है वो 5 सेकंड के अंदर कर दे रहा है। कहाँ 5 घंटे, कहाँ 5 सेकंड। तो ये दुनिया कहाँ जा रही है, कितनी एडवांस्ड हो रही है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर हम सभी लोग अप स्किल नहीं हुए तो। हमें AI से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा एडवांस होना होगा, तभी कुछ हो सकता है। खैर आपको समझ आ गया होगा कि चैट GPT से क्या हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है चैट GPT से लेकर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग रिपेटिटिव वाली जो जॉब्स कर रहे हैं वो छोड़कर कुछ अप स्किल वाली काम कर सकें AI से आगे बढ़ने के लिए।
AI से स्मार्ट बनने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। और हमारे साथ बने रहने के लिए जल्दी से हमारी टेक्निकल मदद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। खैर, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।